डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। हमें पता था मेजर संदीप है कौन। लोगों को कुछ नया चाहिए, इन तीनों मूवीज को कंपेयर नहीं कर सकता। वी आर सेलिब्रेटिंग अ हीरो टुडे, आई एम लाइक शॉक्ड एंड नम। मैं बोलता हूँ ये मूवी में उन्होंने बेटर किया है कि देश के लिए कुछ करना है, अदरवाइज सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। कम रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे, अकेले गया वो ऊपर एंड ही सेड। बहुत बढ़िया, इट्स अ ब्लॉकबस्टर, माइंड ब्लोइंग मूवी। और अदिवी शेष सर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी मूवी लाई हमारे लिए। हमें पता नहीं था, हमें पता था मेजर संदीप है कौन, बट हमें उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता था। हमें पता नहीं था कि वो कैसे मरे, उनके पहले मतलब कैसे शहीद हुए, आई एम सॉरी, एंड उनकी लाइफ के बारे में हमें कुछ पता नहीं। तो सो थैंक्स टू अदिवी शेष फॉर दिस फिल्म एंड इट्स अमेजिंग मूवी। जी जी, उनकी एक्टिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है। उन्होंने दबंग 3 भी किया था, उसमें मैं बोलता हूँ ये मूवी में उन्होंने बेटर किया है। और ब्लेसिंग्स है हमारी सबकी उनके लिए। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, शशि करण टिक्का जी डायरेक्टर है, बहुत कमाल का एक्टिंग किया, सॉरी एक्टिंग अदिवी शेष और इन्होंने बहुत कमाल का किया है। और डायरेक्शन मतलब माइंड ब्लोइंग, एंड मैं कोई पार्ट नहीं बता सकता मूवी का कि मतलब ये अच्छा है। हर एक मतलब एक एक सीन का यू नो आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। द मूवी इज सो वर्थ, सो आई वांट एवरीवन शुड वॉच इट। जी 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 जी, इमोशनल एक्चुअली अभी हर मूवी में अगर देखो जिसमें इमोशनल है, अभी इमोशंस है तो आ जाता है बाहर। एंड जो उन्होंने किया था, जो अटैक ऑफ 2611 हुआ था, सो अभी मैं आपको, आप जाके थिएटर में देख लो मूवी, मैं बता नहीं सकता, बट आई वांट एवरी इंडियन शुड वॉच दिस मूवी, इट्स वर्थ इट। बहुत ज्यादा, अगर आप उनकी पहले की मूवी देखोगे येवरू और गोटाचारी, उन्होंने दो किया है, वो ब्लॉकबस्टर गई है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बहुत बहुत अच्छा मूवी है। और एक्टिंग तो गूस बम्स दे रहा है, गूस बम्स सीरियसली। मैं चाहता हूँ मेजर थोड़ा जाए, क्योंकि अभी पृथ्वीराज, अभी मैं इन तीनों मूवीज को कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो तीनों के तीनों अपने लेवल पे है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि इंडिया को ये मूवी देखना चाहिए, क्योंकि 2611 हमारे लिए एक ब्लैक डे था, सो आई वॉन्ट एवरी वन शुड वॉच इट। आई कांट रेट दिस, बट मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस मूवी के को मैं रेटिंग नहीं दे सकता, ये इतना अच्छा है, बट 10 out of 10। मूवी कैसी लगी? द मूवी इज रियली गुड एंड आई लव द मूवी एंड द एक्टिंग एंड एवरीथिंग वाज रियली गुड एंड इट डिड रियली मेक मी क्राई इन द एंड। द मूवी इज वेरी इमोशनल। व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस, कैसा लगा? ऑल आर गुड यार। इट्स अबाउट अ लाइक हीरोइज्म अबाउट एन एक्स आर्मी ऑफिसर हु डाइड and it's about that, so everything was really good. The whole movie is good, you can't just describe a particular part which is good or which is not. The whole movie is good from start to end. Yeah, sahi aur abhi sabne acha kaam kiya hai. Dialogue, songs, everything is there, like few songs, there are not many songs. It's about like a hero, we are celebrating a hero today. He was a hero for our country, so we are like more focused on that rather than on songs. So there were very few songs, but the movie overall is really good. It made me emotional. कितना justify कर पाए? Everything is good. Like I said, it's about a Indian, like he was a superhero for our Indian people. So it's a really good movie. Direction के बारे में? Everything is really good. Yeah, you love it. You should also go and watch it. Out of 5 star, कितने दोगे? I won't rate this movie. It's like beyond rating. तो आज ही रिलीज हुई है पृथ्वीराज चौहान, और साथ ही साथ विक्रम भी, क्या लगता है ये मूवी टक्कर दे पाएगी? Obviously this is about like it happened like 15 years back, 2008 attack. Yet पृथ्वीराज is about a king in a major in like in modern world, he's a hero. I mean he was the hero, but he saved us in Mumbai attack. So yeah, I would say this movie will really give a like perfect fight to other movies. Okay, audience को क्या बोलना चाहोगे? I should like should come and watch it. Yeah, this movie is really good. You'll love it. That's the problem. I'm like shocked and numb. So you have to understand that this movie is really good. You have to come and watch.
जस्ट कान घर पे बैठ के देख लेंगे ओटीपी, नहीं देखने आई है इस मूवी को, इट्स रियली गुड। सो मेजर मूवी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया मूवी है मैम ये, और बॉलीवुड इन्हीं कारण चल रही है, ऐसी मूवी हर बच्चों को अपने फैमिली के साथ आके देख सकते हैं, और मतलब देख के एक जुनून आता है इसमें कि देश के लिए कुछ करना है, हर बच्चे के मन में एक वो आई वॉन्ट टू बिकम अ शोल्डर और मैं देश के लिए जान देने के लिए हाजिर हूँ, ऐसा मतलब एक उत्साह हर बच्चों के अंदर आता है। अगर एक्ट्रेस की बात की जाए अदिति शेष और साथ में कितना जस्टिफाई कर पाए अपने, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और अपना पूरा 110% दिया उन दोनों ने। कैसी लगी आपको फिल्म? मूवी इज आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा मैम, ये मूवी सोल्जर्स के लिए जो दिन रात खड़े हैं बॉर्डर पे, कि उनको पता है कि हम यहाँ खड़े नहीं रहेंगे तो हमारी जो आम जनता है वो सेफ नहीं रहेगी, वो आम जनता के लिए अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। तो ये इस फिल्म में दिखाया है कि एक आदि विशेष जो मेजर कर रहे कैरेक्टर संदीप, तो उनका कैरेक्टर किया है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया किया, डायरेक्शन इज अ वेरी गुड, कहीं पे भी आपको कहीं पे भी कुछ कमी नहीं लगेगी डायरेक्शन में। होटल के अंदर घुस रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं, हर एक मूवमेंट, एक्शन इज अ आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन वर्क। प्रकाश राज जी का भी एक्टर का बहुत ही तारीफ है, साई मांजरेकर हैं उन्होंने भी अच्छा किया। यस, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, कहीं ना कहीं लिटरली मैं बता रहा हूँ, 1 hour इंटरवल के बाद आप मूवी देखने के बाद आपने आप इमोशनल हो जाओगे, मतलब आपको होने की जरूरत नहीं, वो अंदर से ही आ जाएगा कि भाई ये है, ये मूवमेंट्स ऐसे हैं कि यहाँ इमोशनल होना ही है, तो आपकी फैमिली ये सब दिख। या बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली जस्टिफाई किया उन्होंने, कहीं पे भी उन्होंने ऐसा नहीं लगाया कि यहाँ पे उनसे कैरेक्टर छूट गया है या कुछ कमी लगी, नहीं नहीं ऑब्वियसली जस्टिफाई किया है, और मैं उनकी एक्टिंग को बोलूँगा तो बहुत ही बढ़िया किया है। पहले भी आप देख सकते हैं वेब सीरीज आई है, फिल्में आई है, बट ये कुछ अलग थोड़ा सा उन्होंने बनाया, अच्छे से बनाया, आउटस्टैंडिंग। हाँ सम्राट पृथ्वीराज और विक्रम, मैंने वो देखी नहीं है, बट ऑब्वियसली दे पाएगी क्योंकि मुझे बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि क्या हो गया ना अभी कुछ टाइम से बॉलीवुड की फिल्में सिर्फ अभी भूल भुलैया 2 ही है जो अच्छी चली है, अदरवाइज सभी फिल्में फ्लॉप हो गई, तो लोगों को कुछ नया चाहिए, वही देख के लोग, तो इसमें वो चीज़ है, नयापन है, जब सम्राट पृथ्वीराज भी अगर देख ली तो पता चलेगा, लेकिन आई होप कि ये फिल्म लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी, इमोशनली अटैच हो जाएंगे लोग इस फिल्म से। वहां से ड्रीम उसका शुरू होता है कि वो नेवी में जाना चाहता है, नेवी से रिजेक्ट होता है, वो एनएसजी में जाता है, ये हमारे हीरोज हैं, और हम लोग डिबेट देख रहे हैं यार, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनकी इनकी इन्होंने किसके लिए जान दी है, हमें बचाने के लिए, और हमारी मीडिया ये नहीं देखती कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, हमारे पॉल्यूशन हटे, हमारे ऐसे फैक्ट्रीज लगे ताकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को बेटर वेपन मिल पाए, हमारे डिफेंस सिस्टम बन पाए। एक जापानीज, एक कोरियन, एक कैनेडियन, एक यूरोपियन बैठ के मजे से रह रहा है, उनकी सिक्योरिटी स्ट्रांग है, हमारे यहाँ पे कुछ माँ है जिनके बच्चे में इतनी वीरता है जो जाके यहाँ लड़ रहे हैं, कम रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं, अकेले गया वो ऊपर, एंड ही सेड डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम, मुझे नहीं देना इंटरव्यू यार, जाओ यार। अरे उनके ऑफिसर्स ने उनको बोला कि वो ट्रेनिंग ऑफिसर है, वो ट्रेनिंग ऑफिसर है, उनको नहीं जाना था मिशन पे, वो ट्रेनिंग ऑफिसर थे, लेकिन ट्रेनिंग ऑफिसर मैं जानता हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ मरीन इंजीनियरिंग में लोगों को, मैं जानता हूँ कि जब आप ट्रेन करते हो, जब आपके स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, कैप्टन, चीफ इंजीनियर जो पढ़ रहे होते हैं,
और जब आप फ्रंट पे होते हो आपको प्रूव करना होता है कि जो आपने ट्रेन किया वो आप करके दिखा सकते हो या नहीं, और उसने दिखाया, उसने कहा कि नहीं मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ मैं करता हूँ, उसको जाना भी नहीं था उस मिशन पे यार, और वो गया, वो उसमें वो जज्बा है यार, वो उसे देखो सब लोग जाके प्लीज यार, मेरा रिएक्शन मत देखो, उसे देखो, हॉल भर दो इसको यार, और ये कौन सी मूवीज देख रहे हैं हम लोग, हमें कहाँ जाना है, दूसरे लोग कहाँ पहुंच जाएंगे दुनिया के, और हम लोग कहाँ रह जाएंगे, डिबेट देखते रह जाएंगे यार, मीडिया क्या कर रहे हो, इसलिए जान दे रहे हैं हमारे लोग हीरोज आके। अरे यार सबसे बड़ी जयचंद मीडिया है, कमीनी कुत्ती है साली, ये साले रोज शाम को आ जाएंगे और बोलेंगे कि साले तुम्हारा ये है, अरे वो हमारे लोग है यार, हमारे लोग है, हम लोग यार एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, एक कोरियन एक जापानीज एक यूरोपियन बंदा बैठ के आराम से कॉफी पी रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, हमारे माँ बाप को हम एसी के कमरे नहीं दे पा रहे, हमारी बिल्डिंग्स हमारी रोड हमारी मेट्रो इतने साल से नहीं बनी यार, वहां चाइना में देखो क्या डेवलपमेंट हो गया, दुबई में देखो यार, हम लोग क्या डिबेट देख रहे हैं, पागल है हम लोग, और हमारे लड़के यहाँ पे, जब उनके लोग आते तो हमारे लड़के आके यहाँ पे उनसे लड़ रहे हैं मर रहे हैं, उसके अलावा मैं सारे ब्रिटिशर्स को कमीनों को गाली देना चाहता हूँ, उन्होंने कंट्री का विभाजन किया, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम डाला, इंडिया पाकिस्तान डाला, सबसे गंदे ये लोग हैं साले यूके वाले, इनके लिए कोई एक शब्द नहीं बोलता क्योंकि ये अमीर है, ये मीडिया दबा देते हैं, ये हमारे दुश्मन है, कोई हमारे इंडियन पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम कोई बुरा इंसान नहीं है, हम भाई है, एक लैंग्वेज बोलते हैं, हम इन्होंने हमें करके गए और हम बेवकूफ बने जा रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हम लोग जब पैदा हुए थे उस दिन से आज तक हमने हमें किसने मार दिया, हमारे की तुम लोग गए भी हो एक बार मंदिर में यार, हम जाते तक नहीं है, 6 महीने में साल में एक बार मंदिर जाते हैं हम, लेकिन हम रोज डिबेट देखते हैं, इसके बदले अगर हम उसे थोड़ा देर पढ़ाई कर ले या थोड़ा देर कुछ काम करे, अपने देश को आगे बढ़ाए ताकि हमारे सोल्जर्स को ऐसे ना मरना पड़े, हमारे डिफेंस सिस्टम अच्छे हो सकते हैं, आज फ्रांस में घुस सकते हो क्या तुम ऐसे जैसे हमारे इनके कमांडोज आ गए, हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है, वो हमारे लिए मरा यार, वो तुम लोग क्या कर रहे हो यार, जाओ प्लीज जाओ यार जाओ।